हेलो फ्रेंड्स, रियल कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो सेशन स्टार्ट है वो कौन सा है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आज हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग फर्स्ट पार्ट देख चुके होंगे, आज उसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इसमें हम बेहतरीन बेहतरीन कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या समझते हैं समानुपात क्या है? समानुपात क्या है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम जानेंगे। समानुपात यानी जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? जिसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, समानुपात है क्या? समानुपात क्या है सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स। जब दो रेशियो, जब क्या है, दो रेशियो लास्ट के दो रेशियो के जो है क्या हो जाए, बराबर, इज इक्वल क्या हो जाए, सी रेशियो डी, यानी ए रेशियो बी समानुपात है, ऐसा कर लीजिए। यानी यही प्रोपोर्शनल है, सी रेशियो डी। तो यानी यहां से हो जाएगा क्या, ए अपान बी इज इक्वल क्या हो जाएगा, सी अपान डी। तो देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से ए डी इज इक्वल क्या हो जाएगा, बी सी। यही क्या है आपका, क्या है फ्रेंड्स, ये प्रोपोर्शनल है। इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ देखिए बीच बीच का गुणा हुआ है किनारे किनारे का। इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान देना, हम बीच बीच का गुणा करते हैं और किसका करेंगे, किनारे किनारे का करते हैं, इस बात का ध्यान देना। समानुपात के बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं मध्यानुपात क्या है। एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है मध्यानुपात। मध्यानुपात यानी मीन प्रोपोर्शनल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है फ्रेंड्स? मीन प्रोपोर्शनल पूछा जाता है और हम इसके बारे में जानेंगे कि ये मध्यानुपात क्या है। जैसे आपसे पूछेगा कि फ्रेंड्स ए और बी का मध्यानुपात बताइए, तो कैसे निकालेंगे? तो बहुत ध्यान समझिएगा, हमने क्या कहा, ए रेशियो क्या हो जाएगा, एक्स। समानुपाते क्या हो जाएगा, यहाँ से x रेशियो का b। तो हमने कहा बीच बीच का गुणा होता है किनारे किनारे का होता है, तो यानी यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, x स्क्वायर इज इक्वल ए बी, यानी x इज इक्वल कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए बी। तो इसका मतलब एक बात का हमेशा ध्यान देना, जब हमसे मध्यानुपात कहे, मीन प्रोपोर्शनल कहेगा निकालने के लिए, तो मैं सीधा सीधा इन संख्याओं का को रूट में ले लूंगा। किसमें ले लूंगा, रूट, यानी रूट ए बी कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, मध्यानुपात यानी मीन प्रोपोर्शनल। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ से तृतीय अनुपात। एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछता है, क्या पूछता है, तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात यानी जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। तो अब यहाँ ध्यान समझिएगा कि ये तृतीय अनुपात क्या है। तृतीय अनुपात क्या है, जैसे आपसे देगा कि ए और बी का तृतीय अनुपात बताइए, तो तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, तो ए रेशियो क्या करेंगे, बी, फिर समानुपाते क्या करेंगे, बी रेशियो एक्स, यही करेंगे। तो हमने कहा किनारे किनारे का गुणा करते हैं बीच बीच का, तो यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, ए एक्स का गुणा करेंगे बी बी का, तो ए एक्स इज इक्वल क्या होता है, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपान ए। तो अगर मुझे तृतीय अनुपात निकालना है, तृतीय अनुपात निकालना है, तो मैं दूसरे वाले का स्क्वायर करके पहले वाले से भाग कर दूंगा, यही तो यहाँ पे आया है। एक्स बराबर क्या आया है, बी स्क्वायर अपान ए। तो इस बात का ध्यान देना, यानी दूसरे वाले के स्क्वायर करके पहले से भाग कर दें, तृतीय अनुपात आएगा। और हमें मध्यानुपात निकालने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा संख्याओं को रूट में लेके मल्टीप्लाई कर देंगे तो मध्यानुपात आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं चतुर्थानुपात, फोर्थ प्रोपोर्शनल की। यानी चतुर्थानुपात अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा पेपर में, तो कैसे निकालेंगे? तो इस बात का ध्यान देना, यानी इसको हम बोलते हैं क्या, फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी चतुर्थानुपात कैसे निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन देगा आपके कि ए बी सी का चतुर्थानुपात बताइए, ए बी सी का क्या बताना है, चतुर्थानुपात। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, ए रेशियो बी समानुपात क्या हो जाएगा, सी रेशियो एक्स, यही हो जाएगा। तुम कहा बीच बीच का गुणा करते हैं किनारे किनारे का करते हैं, तो यानी यहाँ से हो जाएगा ए एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, बी सी। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी सी अपान ए हो जाएगा। तो इसका मतलब फ्रेंड्स एक बात यहाँ से निकल के आई, चतुर्थानुपात ध्यान रखना कैसे निकालते हैं, लास्ट के दोनों को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाले से भाग कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, चतुर्थानुपात यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल। यानी लास्ट के टू को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट से डिवाइड करना है, क्लियर है? तो फ्रेंड्स सारी चीजें आपके दिमाग में आई होप कि सेट हो गई होंगी। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन करेंगे कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन जो रखा गया है, इस टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट वाले में हो चुका है, तो इसको पहले आप खुद से ट्राई करिएगा, फिर आगे सोल्यूशन देखना है।
तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यही आपसे कह रहा है ए रेशियो बी इज इक्वल कितना दिया गया है, 2:3 यहाँ पे 3 दिया है। सी रेशियो बी आपको कितना दिया है, सी रेशियो बी दिया है 5:6। तो आपसे बताना है कि ए बी सी का रेशियो क्या होगा, यही बताया गया है। तो अब देखिए मैंने आपको एक डायरेक्ट फंडा बताया है, शॉर्टकट ट्रिक बताया है निकालने के लिए कि कैसे इसको हम बहुत शॉर्टकट वे में निकालेंगे। तो देखिए ए बी का जो रेशियो है वो कितना दिया गया है, 2:3 दिया गया है। अब यहाँ पे एक गलती मत करिए, यहाँ देखिए सी रेशियो बी दिया है 5:6, तो इसका मतलब बी रेशियो सी कितना हो जाएगा, इसी का उल्टा कर दीजिए, यानी यहाँ पे 6 लिख दीजिए, यहाँ पे 5 लिख दीजिए, किसी को कोई दिक्कत, नो दिक्कत। 3 यहाँ पे है तो फ्रेंड्स 3 यहाँ पे कर दीजिएगा, 6 यहाँ पे है तो 6 यहाँ कर दीजिए। अब यहाँ देखिए कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, 3 से इसको काट दीजिए, 3 2 6, 3 2 6, यानी कितना हो जाएगा यहाँ 2 2 4, उसके बाद कितना हो गया 3 2 6 और 5, 4:6:5। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि संख्या को 6, 7, 15, 17 के प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए कि चारों संख्याएं समानुपातिक हो जाए, यही कह रहा है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स हम संख्या को अगर क्या मान लेते हैं, 6 है, क्या जोड़ा जाए, तो हम x जोड़ दे रहे हैं, अपान क्या है 7+x। समानुपात के लिए तो यही हमने कहा था फ्रेंड्स, फर्स्ट का 2:2 लास्ट के 2:2 के क्या होना चाहिए, इक्वल। अभी हमने ये कॉन्सेप्ट सिखाया, तो इज इक्वल यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 15x अपान 17x, यही है। एक तरीका है फ्रेंड्स इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, क्लियर है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि आप ऑप्शन से चले जाइए, जैसे मैं पहला ऑप्शन रखता हूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6, 6, 12 और नीचे हो जाएगा 13। फर्स्ट ऑप्शन रखने पे कितना हो जा रहा है, जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन रखा तो यहाँ 12/13 हो गया, यहाँ मैं फर्स्ट रखा हूँ तो 15/6 कितना हो जाएगा, 21 और 17/6 23। फ्रेंड्स कटेगा नहीं इसलिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं 5 रख दूँ तो 6, 5, 11 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 20, तो भी कोई चांस ही नहीं है आने का। 4 रखते हैं तो 6, 4, 10, 15, 4, 19, तो भी फ्रेंड्स नहीं होगा। अगर मैं 3 रखूं तो कितना हो जाएगा, 6, 3, 9 और 7, 3, 10 इज इक्वल 15, 3 कितना हो जाएगा, 18 और 17, 3, 20। यहाँ देखिए 2 से काटेंगे, 2 9, 18, 2 10 में 20, यानी बराबर हो गया कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो यानी इस क्वेश्चन का जो करने का सबसे बेहतरीन तरीका है फ्रेंड्स वो क्या है, ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, सबसे ज्यादा आसान है। एक तरीका मैं और आपको बता रहा हूँ, एक तरीका देखिए फ्रेंड्स, एक एक्स वाला तरीका था, ये फर्स्ट मेथड था, सेकेंड मेथड ऑप्शन है, एक मैं तीसरा भी तरीका आपको बताने वाला हूँ कि इन तीनों तरीके से कैसे क्वेश्चन को करेंगे। तीसरा तरीका फ्रेंड्स आपके पास ये है कि जैसे देखिए क्या किया करिए, जैसे 6 अनुपातें कितना है, 7, यही है समानुपाते क्या है, 15:17। बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। देखिए 6 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1, और 15 और 17 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। तो अब देखिए इस चाहे फर्स्ट फर्स्ट का मल्टीप्लाई करिए, चाहे सेकंड सेकंड का करिए, चलिए मैं यहाँ फर्स्ट का ले रहा हूँ, 6 2 12, ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, 6 2 12 और यहाँ 15 51 15, यही आ गया। तो 6 2 12 15 51 15, 15 और 12 के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 3 और 2 1 के बीच का डिफरेंस का 1, 1 की वैल्यू कितना आ गई, 3, यही आंसर है। तो हमेशा 1 की ही वैल्यू निकालना रहता है, कैसे, फिर समझिए 6 और 7 के बीच का डिफरेंस 1, 15 और 17 के बीच का डिफरेंस 2, डिफरेंस आ गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 ले लीजिए, फिर पहले का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 6 2 12, फिर 15 51 15, 12 15 के बीच का डिफरेंस 3, 1 की वैल्यू 3, यही डायरेक्ट आंसर है, क्लियर है। तो आई होप कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है यदि 8, x और 50 एक क्रमागत समानुपात है तो x का मान ज्ञात करें। अब देखिए ये क्रमागत समानुपात में है तो कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू बताना है। अब देखिए इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, ये क्या हो जाएगा, 8:x, समानुपाते क्या हो जाएगा, x:50, यही तो है। तो इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स आपसे क्या पूछा है, मीन प्रोपोर्शनल पूछा, इसका 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 मल्टीप्लाई होगा, इसका इसका मल्टीप्लाई होगा, तो x² = 8×5=40 कितना हो गया फ्रेंड, 400। तो x = यहाँ से कितना हो जाएगा, 20। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 और 54 के बीच दो माध्य ज्ञात करें। दो माध्य का मतलब क्या पूछा है, फाइंड टू मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2 एंड 54। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यही है कि इसका अगर मैं मध्य अनुपात निकालूं तो 54 दुगना कितना हो जाएगा, 54 into 2 कितना हो जाएगा, 108। तो इसका मतलब मध्य अनुपात के लिए हमने आपको क्या बताया है कि फ्रेंड्स आपका रूट आना चाहिए, x² = ab, यही तो हमने बताया है, यानी x = √ab। तो रूट किसका निकलेगा, जब यहाँ से जिस ऑप्शन से 108 आएगा तो 18 छक्का कितना होता है, 108 यही होता है, 12 छक्का 72 नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन होगा, कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन, क्लियर है। तो मीन प्रोपोर्शन के लिए हमने अंडर रूट ए भी बताया है, तो 108 तभी आ जाएगा जब इसका मीन प्रोपोर्शनल 108 हो जाएगा, क्लियर है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है 0.8 और 0.2 का क्या बताना है, थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है, यानी तृतीय अनुपात बताना है। तो कैसे करेंगे, देखिए तृतीय अनुपात के लिए, देखिए फ्रेंड्स हमने शुरू में कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तृतीय अनुपात के लिए हमने क्या कहा है, सेकंड वाले का स्क्वायर करके फर्स्ट वाले से भाग कर देते हैं, यही तो बताया गया है। तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे, यही बताया गया है। तो देखिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको करना क्या है, सेकेंड वाले का स्क्वायर करके फर्स्ट वाले से भाग करना है, यानी 0.2 into 0.2 अपान कितना हो जाएगा, 0.8 यही हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। अब 0.2 में 4 से भाग कर देंगे तो फ्रेंड्स एक ही ऑप्शन सीधा सीधा दिख रहा है, 4 × 5 = 20 होता है, 0.05 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है 4 और 0.8 के तृतीय अनुपाती तथा 13.5 और 0.24 के मध्यानुपाती के बीच का अनुपात क्या है। तो फ्रेंड्स एक बार तृतीय अनुपाती निकालते हैं, तृतीय अनुपाती यानी थर्ड प्रोपोर्शनल निकालिए। तो फ्रेंड देखिए थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए हमने क्या बताया है, इसका स्क्वायर करके इससे भाग करते हैं, यानी 0.8 into क्या हो जाएगा, 0.8 upon कितना हो जाएगा यहाँ से, यहाँ देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, 0.4 है इंग्लिश वाले में, 0.4 तो इसको क्या कर देंगे, 0.4 कर देंगे। 0.4 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 8 × 2 = 16, पॉइंट कितना है, 8 है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ से, 1.6, ये थर्ड प्रोपोर्शनल है। मध्यानुपाती निकाल लीजिए फ्रेंड्स, यानी मीन प्रोपोर्शनल निकाल दीजिए। तो मीन के लिए हमने क्या बताया है कि दोनों को रूट में ले लेंगे, किसमें ले लेंगे फ्रेंड्स, यानी x² = कितना हो जाएगा यहाँ से, 13.5 into कितना हो जाएगा, 0.04 यही हो जाएगा। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स x की वैल्यू निकालने के लिए कुछ मत करिए, यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ 2 डिजिट के बाद, इस डेसिमल को अगर मैं यहाँ से हटा दूँ सबको, तो यही मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, x² = कितना हो जाएगा, 135 into 24। देखिए नीचे 3 जीरो आ जाएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, देखिए कैलकुलेशन भी आपको मुझसे सीखना है, इसको 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो 5 × 2 = 10 और 5 × 7 = 35 यही हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 5 × 7 = 35, इसको 5 से काटेंगे, 5 × 2 = 10 कितना हो गया, 00। उसके बाद फ्रेंड्स इसको किससे काट देते हैं, इसको 4 से काटिए, 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, तो देखिए इसको हम 8 से काट लीजिए, 8 से काटते हैं, चलिए 8 से, 8 × 2 = 16, 8 × 5 = 40, 8 से काटेंगे, 8 × 3 = 24, 27 × 3 कितना हो जाएगा, 81/25, 81/25, यानी x का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, x का मान 81 किसका वर्गमूल के अंदर ले लेंगे तो 9/ कितना हो जाएगा, 5, x बराबर कितना आ गया, 9/5, थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी इसको रेशियो में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार डेसिमल में आ जाएगा, 5 × 5 = 5, और 5 × 5 = 5, 5 × 8 = 40, 1.8 आ गया। तो इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा गया है, 1.6 रेशियो क्या पूछा है, 1.8। तो ये डेसिमल से तो डेसिमल हट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 × 8 = 16 और 2 × 9 = 18 कितना आ गया फ्रेंड्स, 8:9 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है।
अगला क्वेश्चन दिया है कि 12, 21, 8 का चतुर्थ चतुर्थानुपात या समानुपात क्या होगा, ये आपसे बताना है। तो देखिए, चतुर्थानुपात के लिए हमने आपको क्या बताया है, x बराबर हमने कहा है इन लास्ट के दो का मल्टीप्लाई करके 12 से भाग कर देंगे चतुर्थानुपात के लिए, यानी 21 इंटू 8 अपान क्या कर देंगे 12, 3 से काटेंगे 3 चौके 12, 3 सते 21, 4 दूनी 8, 7 दूनी कितना हो जाएगा फ्रेंड 14, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन कह रहा है 2:3 कामा 4:5 कामा 3:2 कामा 7:4 का संयोग अनुपात या मिश्रित अनुपात बताइए। तो देखिए, यानी कंपाउंड रेशियो, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कंपाउंड रेशियो क्या है, तो ये बहुत ध्यान समझिए, कुछ नहीं है कंपाउंड रेशियो। जब कभी रेशियो है तो सीधा सीधा इनको मल्टीप्लाई कर लिया करिए। जब कभी भी आपसे कंपाउंड रेशियो पूछे यानी मिश्रित समानुपात पूछेगा, तो इसी को क्या करना है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब यहाँ से कितना आ गया, 7:5 आ गया, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि संयोग अनुपात यानी कंपाउंड रेशियो क्या है, इसी को मिश्रित अनुपात भी बोलते हैं। अब इसके बाद सेम यही क्वेश्चन है, अब कर लेंगे, लेकिन यहाँ क्या पूछा है, द कंपाउंड रेशियो ऑफ द इनवर्स रेशियो ऑफ द रेशियो एक्स रेशियो वाई जेड कामा वाई रेशियो जेड एक्स कामा जेड रेशियो एक्स वाई, यानी इसके क्या पूछा है, अनुपातों की व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात बताइए। इसको पहले उल्टा करेंगे, इसको उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, वाई जेड अपान एक्स, यही है, इंटू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, जेड एक्स अपान क्या हो जाएगा y, यही हो जाएगा, और इनटू क्या हो जाएगा, एक्स वाई अपान जेड। तो देखिए, x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया और z से z कैंसिल हो गया, तो आपका कितना आ गया यहाँ से, एक्स वाई जेड रेशियो क्या आ गया 1, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं कि 3, 6 और 18 का चौथा अनुपात क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो हमने क्या कहा फ्रेंड्स, कुछ करना नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन एक क्वेश्चन में करा चुका हूं, यानी लास्ट के दो को मल्टीप्लाई करके तीसरे वाले से क्या करना है भाग, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 18 दूनी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 36, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है, तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, यह भी क्वेश्चन बेहद आसान है। क्वेश्चन कह रहा है यदि 4.8:6 एक्स और 8.5 के अनुपात में है तो एक्स का मान क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ करने की जरूरत नहीं है, 4.8 अपान क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल कितना हो जाएगा, एक्स अपान 8.5, यही हो जाएगा। तो अब देखिए, इसको काट देते हैं, काटेंगे 6 × 8 = 48 कितना आ जाएगा 0.8, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 8×5=40 की 0 कितना आ जाएगा 4, 8×8 कितना हो जाएगा 64 × 4 = 68, यही आ जाएगा। देखिए, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, x बराबर कितना आ गया 6.8, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 0.8:0.9, यानी 0.8:0.9 का वर्गानुपात। तो देखिए फ्रेंड्स, वर्गानुपात कुछ नहीं है, इसी का स्क्वायर कर दीजिए, जैसे 0.8 है और क्या है 0.9 है, यही है, तो इसका वर्गानुपात करेंगे, डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, इसी का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 64:1 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 81, यही हो जाएगा, 8 का वर्ग 64, 9 का 81 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो बताना है, यानी 1/49:1/81 का वर्ग मूलानुपात बताना है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1/49 और रेशियो क्या है फ्रेंड्स 1/81,
तो यानी इनको ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा यहाँ से 81 रेशियो का क्या हो जाएगा 49, यानी ये किसका वर्गमूल हो जाएगा, किस रूट में ले लेंगे तो यानी 9:7। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यानी बी, यानी वर्गमूलानुपात बताना है। एक कॉन्सेप्ट समझिएगा फ्रेंड्स, अगर 1/a रेशियो 1/b है, जैसे भिन्न का अगर दो डिजिट का जोड़ घटाना करते हैं तो ये इधर चला जाता है, ये इधर चला जाएगा, उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाता है बी रेशियो ए। इसी वजह से मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट कर दिया है, इस बात का ध्यान देना, इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का घन मूलानुपात बताना है 1.728। ये भी क्वेश्चन बेहद आसान है, कह रहा है 1.728 रेशियो क्या है 2.197। देखिए क्यूब आपको फ्रेंड्स अच्छे से याद हो जाना चाहिए। देखिए आप फ्रेंड्स 30 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब, सभी फ्रेंड्स को एकदम अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए अगर कैलकुलेशन को मेंटेन करना है, और टेबल भी बहुत अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए। ये कोई फंसने की बात नहीं है, आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से याद रहेंगी ना तो आपकी जो स्पीड होगी वो ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगी, क्लियर है। तो इसका मतलब ये किसका क्यूब है, घन मूलानुपात लेना है। तो आप लोगों को पता है कि ये 12 का क्यूब है और 2.197 किसका है 13 का है, तो ये किसका हो जाएगा 12:13। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्लियर है। आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, कह रहा प्रत्येक संख्या से 9 घटाया जाए तो नया अनुपात 12:23 हो जाता है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो अनुपात में दिया रहा इसी को संख्या माना करिए, इसको मैंने 3x मान लिया, इसको क्या मान लिया 5x। कह रहा प्रत्येक से 9 घटाया जाए तो मैंने 9 घटा दिया, तो ये अनुपात कितना हो जाता है, कह रहा है 12:23, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, यही कह रहा है। एक तरीका ये है कि फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल लेंगे, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आंसर आएगा। एक मैं सबसे बेहतरीन तरीका आपको बताने वाला हूँ, ये तो चलिए देखिए पूरा कैलकुलेट कर देते हैं। 23 तीन ये करेंगे, 3 तरीका कितना हो जाएगा 9, 3 दूनी 6 69x माइनस 9 से करेंगे, 9 त्रिक 27, 27 की 7 2 आ जाएगा, 9 दूनी 18, 18 2 20 कितना आ गया 207 इज इक्वल 12 पंचे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 60x माइनस का 12 9 108, यही हो जाएगा। तो देखिए x को x की तरफ करिए, डिजिट को डिजिट की तरफ करेंगे, 69x में से 60x घट जाएगा, इधर आएगा तो फ्रेंड्स माइनस हो जाएगा, तो 69x में से 60x घटाएंगे 9x इज इक्वल यहाँ माइनस 108 है, ये माइनस का 207 इधर आएगा तो प्लस का 207 हो जाएगा, तो घटा देंगे कितनी बार जाएगा 17 में से 8 गया 9, यहाँ से कितना जाएगा 9, यहाँ कितना बचा 9, यही तो बचा, तो इसका मतलब 9 बच गया। अब यहाँ देखिए जो डिजिट बड़ी होती है साइन उसी का लगता है, 9 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 11, x की वैल्यू कितना आ गई 11, तो संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए एक संख्या 3x माना था तो 11 यही 33 हो जाएगा, इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक संख्या 55, 33 55 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। एक तरीका तो ये था आपके पास, में सेकेंड तरीका आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सेकेंड मेथड से इस क्वेश्चन को भी कैसे करेंगे। सेकेंड मेथड से कैसे कह रहा है कि जैसे 3:5 क्या है 5, यही है 9 घटाया जाए तो रेशियो कितना हो जाता है 12:23, यही है। तो इनके बीच देखा करिए डिफरेंस बराबर है कि नहीं, तो डिफरेंस बराबर नहीं है, यहाँ 9 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपके पास लगभग 18 का है, तो इनके बीच डिफरेंस बराबर करने के लिए इनके बीच डिफरेंस कितना है 2 का, इनके बीच डिफरेंस कितना है 11 का, तो 11 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, जहां जो रहे उसके अपोजिट में मल्टीप्लाई कर दिया करिए, इंटू 11 वहां कर दीजिए, इंटू 2 यहां कर देंगे, तो 11 यहाँ कितना हो जाएगा 33 और यहाँ कितना हो जाएगा 11 5 55, 2 से करेंगे 12 2 24 और 23 2 46, इनके बीच का डिफरेंस कितना जाएगा 55 से 46 के बीच का डिफरेंस या 33 से 24, अब डिफरेंस बराबर हो जाएगा। देखिए 9 का डिफरेंस, 9 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 9 यानी 1 टाइम है, तो इनका भी 1 टाइम हो जाएगा, तो 1 1 टाइम करेंगे तो फ्रेंड्स संख्या यही आ जाएगी कि नहीं, यानी 33 और 55 ही आ जाएगा, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये सेकेंड तरीका था और ये सबसे बेहतरीन तरीका है, इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, क्लियर है। तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे कि क्या है। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है और क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास और भूगोल में प्रिया के अंकों का अनुपात 5:7 है, यदि उसे इतिहास की तुलना में भूगोल में 14 अंक अधिक मिले तो उसे इतिहास में कितने अंक मिले। तो देखिए क्या है आपके पास हिस्ट्री है और क्या है ज्योग्राफी। प्रिया के अंकों का जो अनुपात है वो 5:7 है। कह रहा है इतिहास की तुलना में भूगोल में 14 अंक ज्यादा मिले, तो यहाँ 5 से 7 कितना मिला, 2। मेरा 2 आया लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 14, तो 1 की वैल्यू निकाल देंगे कितना आ जाएगा यहाँ से 7। 1 की वैल्यू 7 आ गया, तो कह रहा है उसे इतिहास में कितने अंक मिले, इतिहास में कितने अंक मिले, तो 5 × 7 कर देंगे कितना आ जाएगा 35। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाही का अनुपात 2:7 था। कह रहा है युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हुए, तो कह रहा है कैप्टन और सिपाहियों को नया अनुपात 3:10 हो गया, तो युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या होगी। यानी कह रहा है बिफोर ए बैटल देयर वर द रेशियो ऑफ कैप्टन टू सोल्जर वाज 2:7, ड्यूरिंग द वॉर 25 कैप्टन एंड 100 सोल्जर्स वर मार्टियर्ड, द न्यू रेशियो ऑफ कैप्टन टू सोल्जर्स बिकेम 3:10, व्हाट इज द नंबर ऑफ सोल्जर आफ्टर द वॉर। ये आपसे पूछा गया है, तो बहुत ध्यान समझते हैं कि कैसे करेंगे। अब देखिए कहीं करना कुछ नहीं है, जैसे ये कैप्टन है और क्या है सिपाही। अब देखिए फ्रेंड्स 2:7 में है। देखिए पहले फ्रेंड्स मैं बेसिक से बता दे रहा हूँ कैसे करेंगे। 2x + 7x, कह रहा है 25 कैप्टन तो -25, 100 सिपाही तो माइनस का 100 शहीद हुए, तो इनका जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 3:10 आ गया। तो अब यहाँ से एक तरीका है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा यहाँ से 10 × 20x और माइनस का कितना हो जाएगा 250 इज इक्वल 7 × 21x, माइनस का कितना हो जाएगा 300। यक्स देखिए यक्स को यक्स की तरफ करिए, डिजिट को डिजिट की तरफ। 21x में से 20x घटेगा तो कितना आ जाएगा यक्स, और 300 से 250 घटेगा तो यानी कितना आ जाएगा 50। यक्स का मान यहां से कितना आ गया 50 आ गया। तो आपसे किसका पूछा, युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या होगी। सिपाहियों की संख्या यही तो है, ये कैप्टन थे ये सिपाही थे, तो यानी सिपाहियों की संख्या कितनी है 7x। तो 7 × 7x है तो यानी 7 × 50 कर देंगे तो 350 आ गया ये, लेकिन टोटल थे। आपसे युद्ध के बाद पूछा है तो युद्ध के बाद 100 सिपाही शहीद हुए हैं फ्रेंड्स, इसका मतलब 350 माइनस 100 कर देंगे कितना जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 250। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। फ्रेंड्स हम सेकेंड तरीका आप लोगों को बताने वाले हैं कि अगर सेकेंड तरीके से भी इस क्वेश्चन को कैसे करते। अब देखिए सबसे पहले क्या रहा है, कैप्टन और सिपाही किस अनुपात में है 2:7, कैप्टन और सिपाही आपसे कह रहा है, फिर बाद में 25 कैप्टन 100 सिपाही जो है शहीद हो गए, 25 कैप्टन 100 सिपाही शहीद हो गए, तो इनका रेशियो कितना हो गया 3:10। बहुत ध्यान समझिए फ्रेंड्स आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, एक तरीका तो ये था। दूसरा बहुत ध्यान समझिएगा, 10 × 20 और 7 × 21, 10 × 20 7 × 21 दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेंगे कितना जाएगा 1, यही आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए 100 × 3 और 25 × 250, 300 और 250 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 50, यानी 1 की वैल्यू कितना आ गई 50। सिपाही का पूछा है तो 7 × 50 कर देंगे कितना आ जाएगा 300, टोटल सिपाही पूछा होता तो 350 आता। युद्ध के बाद पूछा है 100 मरे हैं तो 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 250। ये भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसको बोला जाता है क्रॉस मेथड। क्या बोला जाता है, क्रॉस मेथड, बहुत ही शानदार तरीका है जहां आपको यक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है, चलिए आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 विषयों अंग्रेजी और हिंदी के परीक्षा में संजय के अंगों का अनुपात 7:11 है, यदि अंग्रेजी की तुलना में उसे हिंदी में 20 अंक अधिक मिलते हैं तो अंग्रेजी में उसे कितने अंक मिलेंगे। तो सेम इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोगों को खुद से करना है कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन कह रहा है 117 रुपए की राशि को 1/2 / 1/3 / 1/4 करने की जगह गलती से 2:3:4 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया,
तब कह रहा है किसके हिस्से में सबसे ज्यादा राशि आई और कितनी आई है। तो अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, एबीसी है, थोड़ा सा इंग्लिश वाला फ्रेंड्स आप लोग पढ़ लेंगे। कह रहा है बाई मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग रूपीज 117 एमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो, थोड़ा सा हिंदी में गलत है टाइपिंग, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ए बी सी है, तीन लोग हैं, क्या है ए बी सी है, यानी इनका जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया है 1/2, रेशियो कितना दिया है 1/3, रेशियो कितना दिया है 1/4। तो अब देखिए 2, 3, 4 का क्या निकाल ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे, कितना जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा 2 × 6 = 12, 3 × 4 = 12 और कितना हो जाएगा फ्रेंड 4 × 3 = 12। अब यहाँ पे देखिए ये 6, 4, 10, 3 कितना हो जाएगा 13, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कितना 117, तो ए की वैल्यू निकालेंगे कितना जाएगा 13 × 9 = 17। तो ए को कितना मिला था स्टार्टिंग में 9 × 6 = 54, 9 × 4 = 36 और 9 × 3 = 27, यानी इस सबको इतना इतना मिला था। फिर कह रहा है गलती से किसमें विभाजित किया गया, 2:3:4 में विभाजित किया गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2, 3, 5, 4, 9, मेरा 9 आया, क्वेश्चन में कितना दिया है 117, तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा 13 × 9 = 117, 13, तो इसको कितना मिला है 2 की वैल्यू निकालेंगे 26 रुपए, 39 रुपए और 13 × 4 = 52। तो कह रहा किसके हिस्से में सबसे ज्यादा राशि आई है, तो सी के हिस्से में ज्यादा आई है, पहले 27 था अब 52, कितना मिल गया 12 में से 7 गया 5, 4 में से 2 गया 2, यानी सी को 25 रुपए ज्यादा मिले हैं, सी को 25 रुपए ज्यादा मिले हैं। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, तो आप लोग समझ गए होंगे। आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है, कह रहा है यदि 20 छात्र प्रत्येक कक्षा में और आ जाएं तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है, तो शुरुआत में कुल कितने छात्र थे, ये आपसे पूछा गया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अगर 2 डाटा लेके करते हैं तो भी आएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको इस क्वेश्चन को देखने के बाद डरने की जरूरत नहीं है। 2x/3 क्या है 3x, कह रहा 20 छात्र और आ गए तो +20 +20, रेशियो कितना हो जाएगा 4:5, 2 ही डाटा लेके कर देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 × 2 कितना हो जाएगा 10x प्लस 5 × 2 = 10, 100 हो जाएगा, 4 × 3 = 12x प्लस कितना हो जाएगा 80, 10x को x की तरफ करिए, डिजिट को डिजिट की तरफ, 12x में से 10x घटा देंगे 2x आ जाएगा, 100 में से 80 घटेगा कितना हो जाएगा 20, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 10x की वैल्यू 10, शुरुआत में स्टूडेंट कितना है देखिए 3, 2, 5, 5, 10x टोटल स्टूडेंट है, यानी 10 × 10 कर देंगे कितना हो जाएगा 100, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, ये तो एक तरीका था फ्रेंड्स, ये सेकंड तरीका क्या है, इसको मैं सेकंड तरीके से भी बताता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है 2:3:5 क्या है 5 है, सेकंड वाला क्या है 4:5:5 क्या है 7 है। तो अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, गैप बराबर है कि नहीं, यहाँ पे गैप अगर बराबर ना होता तो हम गैप बराबर कर लेते, लेकिन यहाँ पे गैप बराबर है, अगर फ्रेंड्स इन्हीं 2 का पकड़ के गैप बराबर कर देंगे ना तो तीसरा ऑटोमेटिक गैप बराबर हो जाता है। हालांकि यहाँ बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा 2 आया लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 20, 1 की वैल्यू कितना जाएगा 10, 2 गैप 20 के बराबर, 1 की वैल्यू 10, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 3, 2, 5, 5, 10, तो यानी 10 × 10 कर देंगे तो भी कितना जाएगा 100। क्लियर है, तो आई होप ये भी तरीका आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके बाद मिलेंगे नए थर्ड पार्ट में। अगर चीजें एक बार में नहीं समझ में आ रही हैं तो दोबारा जरूर देखा करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही रखेंगे, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।